नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सांसद राज बहादुर सिंह ने 736 लाख रुपए की सड़क का किया भूमि पूजन। विदिशा जिले के कुरवाई में लोकसभा क्षेत्र सागर के सांसद राज बहादुर सिंह संसदीय क्षेत्र के कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर आए। दौरे पर कुरवाई स्टेट हाईवे 14 से भोरासा से आरनोट तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तृतीय चरण में दो लेन रोड, जिसकी लागत 736 लाख रुपए है और लंबाई 16.6 किलोमीटर है, उसका भूमि पूजन किया। भोरासा चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सड़क योजना के महाप्रबंधक ने रोड की रूपरेखा बताई, जिसमें सडेरा ग्राम के पास नरेन नदिया पर पुल निर्माण किया। इस सड़क निर्माण एजेंसी मंगल सिंह राजपूत द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया और निश्चित अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राज बहादुर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के निर्मित सड़कों को एक ब्लॉक बनाकर एक तहसील से दूसरे तहसील का ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए टू लेन सड़क का निर्माण तृतीय चरण में किया जाना है। इसी के तहत इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। इससे आसपास के लगभग 50 पंचायतों को फायदा पहुंचेगा और कुरवाई के गंज बासौदा की दूरी कम होगी। इसी योजना के तहत द्वितीय चरण में अरनोट के गंज बासौदा मुख्य सड़क तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद महोदय केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक की खूबियों को बताया और विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध का निराधार बताया। कार्यक्रम में बोलते हुए जनपद अध्यक्ष ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों से एवं क्षेत्र के ग्रामीण लोगों से भी निवेदन किया कि वह उनके क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य पर ध्यान दें और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व विधायक वीर सिंह पवार, विधायक प्रतिनिधि जगदीश साहू, विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडल के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता और क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आपका विश्वास हम लोगों के प्रति डगेगा तो अगले 5 साल में और कोई यहाँ मंच पर बैठेगा और वहाँ शामिल होंगे। ये तो एक व्यवस्था है पार्टी की या सरकारी जो भी कार्यक्रम होते हैं कि कुछ लोग मंच पर बैठते हैं और कुछ लोग मंच के सम्मुख बैठते हैं। तब से एक विकास का पहिया पुनः मध्य प्रदेश में फिर से चालू हुआ है।